प्रिय छात्रों, आज कृषि विज्ञान विषय के मैं कक्षा 7 में आपका चैप्टर नंबर 2 भूक्षरण। भूक्षरण को अंग्रेजी में सॉइल इरोजन भी कहते हैं। सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण, मृदा क्षरण है क्या, इसके बारे में पहले हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे इसके बारे में जानकारी अधिक हासिल कर सकते हैं। तो मृदा क्षरण, इसकी परिभाषा क्या है, मृदा क्षरण है क्या। मृदा के कणों का एक स्थान से अपने दूसरे स्थान पर, अर्थात मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को मृदा या भूक्षरण कहते हैं। इसी के साथ मृदा के कण उनका आकार भी अलग अलग होता है, कोई मोटे कण होते हैं, कोई छोटे कण होते हैं। तो उसी हिसाब से जब छोटे कण होते हैं तो उनका साइज जो क्षरण होता है वो कम होता है, और जो बड़े कण होते हैं उनके टीले बन जाते हैं। इसी के साथ ही मृदा क्षरण होता कितने प्रकार का है। मृदा क्षरण सामान्यतया 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा त्वरित। प्राकृतिक जो क्षरण होता है वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ क्षरण है, इसको हम आप बचाएं, फिर भी प्रकृति के द्वारा जो क्षरण होता है वो प्रकृति पर ही निर्भर करता है। ये प्राकृतिक जो क्षरण है ये मुख्य रूप से राजस्थान, जहाँ पर रेतीली भूमि है, पहाड़ी क्षेत्रों पर जहाँ पर पहाड़, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पर इस प्रकार का क्षरण होता है। त्वरित क्षरण या मनुष्यकृत क्षरण, त्वरित क्षरण या मनुष्यकृत क्षरण, ये जो क्षरण है ये मनुष्य के द्वारा होता है। यदि इस क्षरण को हम, मनुष्य के द्वारा होता है इसलिए मनुष्य रोक भी सकता है, तो इस क्षरण को रोकने के लिए हम अपने कई उपाय अपनाते हैं। इसी के साथ ही भूक्षरण के रूप, भूक्षरण के रूप कौन कौन से रूप हैं। नंबर 1 जली भूक्षरण। जली भूक्षरण, जो जल के द्वारा भूक्षरण होता है उसे हम जली भूक्षरण कहते हैं। इसी के साथ भूक्षरण जली हमारा 9 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। जली भूक्षरण जो है वो कितने प्रकार से? 9 प्रकार से होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नंबर 1 वर्षा बूंद क्षरण। जब वर्षा की बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो आप देखना कि जिस स्थान पर वर्षा की बूंद पड़ती है तो उस स्थान के कण इधर उधर छिटक जाते हैं और वहाँ से हल्का सा गड्ढा टाइप सा बन जाता है। तो इस प्रकार के क्षरण को हम वर्षा बूंद क्षरण कहते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात में प्रथम पानी बरसता है तो बूंद भारी भारी एकदम तेज बूंद पड़ती है ज़मीन पर, और ज़मीन पर जब तेज बूंद पड़ती है तो आप देखना जहाँ पर बूंद पड़ी तो उस स्थान की मिट्टी छिटक जाती है, इधर उधर बिखर जाती है, तो उसको हम कहते हैं वर्षा बूंद क्षरण। इसी के साथ दूसरा जो है वो है परत क्षरण। जब अधिक वर्षा होती है, जब वर्षा अधिक होती है तो आप देखें कि बरसात के साथ में, पानी के साथ में, वर्षा के में मिट्टी भी बहती है, तो मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो बहकर पानी में चलने लगती है। तो इस प्रकार के क्षरण को हम परत क्षरण कहते हैं या परत भूक्षरण कहते हैं। एक होता है अल्पसरता भूक्षरण। आपने देखा होगा कि जब अधिक बारिश होने लगती है तो मिट्टी तो बहती है, उसके बाद छोटी छोटी सी नालियां टाइप सी बन जाती हैं जिनके द्वारा पानी बहने लगता है, और छोटी छोटी नालियों से जब पानी बहता है तो उसे हम अल्पसरता भूक्षरण कहते हैं। इसी के साथ चौथे में हम आपको खंड अवनालिका, जब छोटी छोटी नालियां के द्वारा पानी बहता है और जब और अधिक वर्षा तेज होती है, अधिक बारिश होती है, तो उस समय क्या होता है कि वो छोटी छोटी नाली एक खंड के रूप में, एक बड़े आकार के रूप में बढ़ने लगती हैं। जब बड़े आकार के रूप में बढ़ने लगती हैं तो उसे हम खंड अवनालिका भूक्षरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में गली इरोजन भी कहते हैं। सबसे खतरनाक जो है इरोजन वो गली ही इरोजन है, क्योंकि इसमें भूमि पर हम जुताई कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। इसी के साथ ही बेहड़, बेहड़ में जहाँ पर जमीन ऊंची नीची होती है
तो जहाँ ज़मीन ऊंची नीची होती है तब बारिश होती है, तो बारिश के साथ में कटाव होता है, तो ये बेहड़ का कटाव होता है, ये जिसको हम बेहड़ भूसड़ कह सकते हैं। इसी के बाद नदी तट, नदियों के किनारे जब तेज बहाव आता है तो नदियों के किनारे पर मिट्टी का कटाव होता है, तो उसे हम नदी तट भूसड़ कहते हैं। इसी के साथ हिमनदी भूसड़, हिमनदी भूसड़ जब नदियाँ ये बहती हैं तो इनका जो पानी किसी पहाड़ों से इसमें जो भूसड़ होता है पहाड़ों से ग्लेशियर अर्थात बर्फ़ पिघलती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पिघलकर बारिश वो पानी नीचे को आता है, तो पानी नीचे आता है तो उसे हम बोलते हैं हिमनदी भूसड़, और छोटी छोटी नदियों के रूप में वो पानी बहता है। भूस्खलन, भूस्खलन ये आपने देखा होगा कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं तो वहाँ पर एकदम भूस्खलन होता है, वो वहाँ पर पहाड़ खिसक जाते हैं तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। समुद्री तट, जहाँ पर समुद्री तट होते हैं वहाँ पर भी पानी का बहाव तेज होता है, बढ़ता है घटता है, तो वहाँ पर भी मिट्टी का कटाव होता है। इस प्रकार से ये जली भूसड़, जल के द्वारा जो भूसड़ होता है उसे हम जली भूसड़ कहते हैं। इसके बाद आता है वायु भूसड़, वायु भूसड़ आपको पहले मैंने बताया था अभी कि वायु भूसड़ जो है वो मुख्य रूप से जहाँ पर रेतीली भूमि होती है वहाँ पर होता है। रेतीली भूमि कहाँ है भारत में सबसे अधिक? भारत में रेतीली भूमि सबसे अधिक राजस्थान राज्य में है, तो रेतीली भूमि जहाँ पर होगी वहाँ पर वायु भूसड़ होता है। वायु जब तेज चलती है तो बालू के जो कण होते हैं वो वायु के जिस दिशा में वायु बहती है चलती है उसी दिशा में वो कण भी चलते हैं, और जब कणों का एक ढेर बन जाता है हैं और वो वायु के द्वारा इकट्ठा हो जाता है, तो जहाँ पर कण इकट्ठे हो जाते हैं अधिक तो वहाँ पर ना तो खेती करने योग्य भूमि रहती है और ना उन भूमि की उपजाऊ अच्छी रहती है, उस भूमि की उपजाऊ भी अच्छी नहीं रहती है, तो इस प्रकार से वायु क्षरण होता है। इसी के साथ ये भूस्खलन को हम किस प्रकार से रोकें, भूस्खलन को हम किस प्रकार से रोकें, तो इसके लिए हम आपको कुछ काम करने होते हैं। जैसे जली भूस्खलन, जली भूस्खलन वर्षा भूस्खलन यह कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं है, परत भूस्खलन ये भी थोड़ा शीट इरोजन है, ये भी अगर हम खेत की जुताई वगैरह करते रहें तो परत जो बहेगी और उसको मिलती रहेगी, उसमें खेत में मिट्टी में मिल जाएगी, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अल्प सरता, इसमें अगर छोटी छोटी जब नालियाँ बन जाएँ तो उसके अब हम खेत में जुताई करते तो नालियाँ आप उसमें जो उनका कटाव होता है वो रुक जाएगा, और जब कटाव रुक जाएगा तो बारिश उसमें पानी बरसेगा तो नई नलियों द्वारा नालियों द्वारा नहीं बहेगा। इसके बाद खंड अवनल का, जब अल्प सरता भूसरण नहीं होगा तो खंड अवनालका नहीं बनेगी, और जब खंड अवनालका नहीं बनेगी तो हमारा भूसरण नहीं होगा। बेहड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि हम वहाँ पर बेहड़ी क्षेत्रों में बांध बना देते हैं, बांध बना देते हैं, जो बाढ़ का या ऊपर से जो पानी आता है तो वो बांध से रुक जाता है और नीचे को नहीं बहता है, तो इस प्रकार से हम बांध बनाने से बेहड़ के क्षेत्र का भूसड़ को रोक सकते हैं। नदी तट के, नदी तट के पे क्या है कि यदि उस नदी तट पर जो बाढ़ आती है, बाढ़ देखा होगा, बाढ़ बहुत तेज आती है तो उस समय क्या होता है कि बहुत ही मिट्टी को काट के ले जाती है अपने साथ में, तो इसको रोकने के लिए हम यदि आसपास कुछ पक्की दीवार खड़ी किया करें या फिर कुछ पेड़ों को लगा दिया करें, तो इससे क्या होगा जो नदी का पानी का बहाव तेज होगा वो तेज होने के साथ साथ जब पेड़ या पक्के ईंटों से दीवार बनी होगी आसपास तो मिट्टी को कम काटेगी। इसी प्रकार से हिम नदी उष्ण, ये तो एक पहाड़ों पर जब होता है तो वहाँ पर भी हम पेड़ों को लगा देते हैं तो अच्छे, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर ज़्यादातर सेब है, नाशपाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय फल उगाए जाते हैं, तो उन फलों को हम, पौधों को, फल वाले पौधों को उगाकर हम इस हिम नदी भूसड़ को रोक सकते हैं, जिससे कि पानी वो वहाँ पर पिघलेंगे और रुक जाएंगे। इसी प्रकार से ये भूस्खलन द्वारा और समुद्री तट द्वारा,
ऐसे ही वायु सड़क को रोकने के लिए हम क्या करें। वायु सड़क को रोकने के लिए यदि हम जिस तरफ से वायु आ रही है उस साइड से यदि हम पौधों को लगाते हैं, एक होते हैं बाड़, एक बाड़ बोलते हैं, हैज अंग्रेजी में से हैज बोलते हैं, यदि हम बाड़ को लगा देते हैं तो बाड़ को लगाने से क्या होता है कि जो वायु की गति तेज होती है उसको धीमा कर देती है, और जब धीमा कर देती है तो जो वायु के द्वारा जो कणों का विखार होता है वो रुक जाता है, और जब वायु के कणों का बिखरना रुक जाएगा तो निश्चित है कि हमारा वायु सरण कम होगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लें, इस पूरे चैप्टर को जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है। इसके साथ ही कल मैं आपको भूसरण के बारे में पूछूंगा, और पूछने के साथ साथ ये भूसरण के कंट्रोल रोकथाम हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम आपको कल विस्तृत रूप से चर्चा आपके साथ में करेंगे। इस बात को आप ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कल मैं इसको आपको ज़रूर एक बार पूछूंगा।